बारिश हो रही है, अतुपा बारिश हो रही है। हस्बैंड जी ना हुकुम चला रहे हैं, आइंदा मेरी बात याद रखनी। कौन सी वाली बात? हस्बैंड जी आप अपनी बेगम साहबा से कौन सी वाली बात याद कर? क्या बोला इब्राहिम, उसने बताओ मुझे। ये बोला मैं बैरियर डालूंगा, फिर उसके बाद आप लोग लेके आओगे ना इसी रास्ते से। हाँ। तो फिर उसके बाद हम गाड़ी शिफ्ट कर, तो मतलब अभी हमने इस गाड़ी में और कुछ कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस रूम नंबर दे दो। नहीं, हम लोग तो बहुत दिनों से पीछे लगे। पिछली बार आप जब ये लोग आपने मना कर दिया था, हमने भी मना कर दिया। अब जब हमने बोला जब तक इनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ना देखेंगे हम लोग नहीं आएंगे। अच्छा, फिर हमने इन्हें कॉल किया, हमने कहा जब तक कश्यप नहीं आएंगे हम नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, यार मैं उन बिचारों का व्लॉग बनाती, मेरी वजह से आए वो लोग। देखो जरा माशाल्लाह, देखो भाई माशाल्लाह। मैंने हां हां, अतुबा अच्छे कपड़े पहने हैं। मैं अच्छी लग रही हूं? मैं अच्छी लग रही प्राइम नहीं लग रही? वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अपने शौहर की खूबसूरत बीवी। अभी मैं ना रो के आई हूँ। रोई क्यों हो तुम? क्या दो साल के लिए जा रही हो जो तुम रो के आई हो? मियाँ क्यों नहीं आया? मियाँ क्यों नहीं आया? ऑफिस है ना, वो कैसे आते? सात दिन मैनेज कर। मियाँ से रो कर आई हो? मियाँ नहीं आया और ये कह रही है कि ये क्या कह रही है कि कोई बात नहीं, नहीं आए तो रोकर आओ। आंटी जरा बताना। नहीं, इसको पता है, कितना रोई है, इसको भी पता है। हां, मम्मा भी पापा के लिए रोकर ही आ रही है। अल्लाह, इसने उनकी भी कहा था। अल्लाह ही बबरकातहु, कितना आपने हमें लंबी कराई है। लंबी कराई है। आपने वहाँ पे क्यों बुलाया? जब शराब घोट से आपने जाना था हमारा घर कितना करीब था वहाँ। कुछ और था, बाद में चेंज हुआ। चले बस आ जाओ। वाह वाह, वेरी नाइस। हेलो, आ जाओ। पूरी खाती नहीं है तो इसके लिए इंग्लिश नाश्ता। तुम्हारे शोर को टेंशन लेने की जरूरत है। हम आए हुए हैं उवेस टूर एंड ट्रेवल्स के साथ। अच्छा, खैर ये उवेस भाई की गाड़ी है और इसमें हम बड़ा ही काफी कंफर्टेबल बैठे हुए। और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैं आप लोग को दिखाऊं कौन बैठे हुए। जरा पीछे आइए। कैसे शरीफ अभी तो है, मैंने जो है उवेस भाई से ये पूछा है कि कुछ इंटरेस्टिंग बताएं कि आपके जो है रास्ते में कुछ आपने कहाँ कहाँ का ट्रैवल कराया है लोगों को। मैं दो दफा तुर्की गए और एक दफा दुबई, और वो भी बाय रोड अपनी गाड़ी में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब आपने जो है लोगों को इस गाड़ी में दुबई और तुर्की का सफर करवा दिया है। और मैंने यूट्यूब पे भी आपको सर्च किया था। अच्छा भाई, आप लोग यूट्यूब पे भी इन्हें सर्च कर सकते हैं, इनके काफी ज्यादा इंटरव्यूज हैं। इनके इंटरव्यू भी देखा था। इस गाड़ी में तो अभी आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? मतलब आपने क्या सोचा, क्योंकि ये कुछ नया ही था बाय रोड, और हमारे पाकिस्तान में मतलब ये पहला कुछ ऐसा किसी ने बाय रोड करवाया, वरना यहाँ पे
किसी ने कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग नहीं करवाया हुआ। तो अभी आपके आगे की क्या प्लानिंग है, मतलब आपने क्या सोचा है? मोरक्को बाय रोड जबर मोरक्को जा रहे हैं अम्मा भी? अभी नहीं जा रहे मोरक्को, अभी तो हम सवाद जा रहे हैं। मोरक्को अफ्रीका में आता है, उससे हमें गुजरते हुए जाने के लिए तकरीबन कोई 20-25 ममालिक बीच में आएंगे, तब जाके हम मोरक्को पहुँचेंगे। 20-25 ममालिक आएंगे बीच में। अच्छा एक मेरा बड़ा ही मासूमाना सवाल है, मुझे बड़ा शौक है पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लगवाने का, तो जो 20-25 ममालिक आएंगे उसके स्टैम्प्स लगते हुए जाएंगे या जहाँ जाएंगे वहीं का लगेगा? सब जगह के लगेंगे स्टैम्प। हाँ, ईरान का लगेगा, तुर्की का लगेगा, ग्रीस का लगेगा, बुल्गारिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्लोवेनिया, फ्रांस, अभी फाइनल मैंने नहीं किया, ईद के बाद ही सोच रहा हूँ। ईद के बाद ही सोच रहा हूँ, रमजान में तो मैं उमरे पे चला जाऊंगा। रमजान में तो मैं उमरे पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं ठीक हूँ, I'm fine। जैसे ठीक, इंशाल्लाह मैं भी हो सकता है आपके साथ ही उमरे पे चलूँ इंशाल्लाह। अगर मेरा ये वाला ट्रिप अच्छा रहा ना तो फिर उमरे पे मैं आपके साथ ही चलूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलों करम से। अबे पीछे देखो वो लोग फॉरन कॉफी का सुन के। नाइस, मैं भी हूँ मतलब मैं और इब्राहिम हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए फोन यूज कर रहे हैं और सब छोड़ो ऐसा मंड के सो रहे हैं ये तीनों, लंबी लंबी सांसें और कर्राटों की। आप तो अभी तक सो रही थी यार, कितनी जोड़ी, मैं कब से सोया, मैं भी नहीं सोया आप अभी तक सोए, मैं अकेले झूठी बोला। अरे आप इनके अंकों से आप लोगों को पता चलता है अभी तक सो रही थी झूठी, मैं तो ऐसी बैठी इन बच्चों को बताओ ये अच्छा है मैं अच्छी हूँ इनसे भी, तो आप बताओ, आप बताओ अभी तक हमारा सफर चल रहा है। वेस भाई यहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे अब डायरेक्ट जहाँ हमारी गाड़ी रुक जाएगी? सक्कर में रुकेंगे। अब हम यहाँ से डायरेक्ट सक्कर रुकेंगे और सक्कर में रुकने के बाद हम कितनी देर वहाँ पे स्टे करेंगे? उसके बाद हम डायरेक्ट मोटरवे के बाद तो रास्ता आसान है ना। फैमिली चाहती थी कि इब्राहिम की छोटी फैमिली। अच्छा हर माँ ये क्यों चाहती है कि थोड़ी फैमिली छोटी, मेरी माँ चाहती है फैमिली बड़ी हो। मेरी बेटी को ना सही से रखे, वो लोग सारे खाने वाने पका के उनको। देखो आजकल की बच्चियां जो है ना कम कर पाती, हमने चाहती है मेरी बेटी को घर में नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो हमारी छोटी फैमिली है, मैं खुद भी ऐसी रहती हूं, ये था कि मैं बड़ी फैमिली में नहीं जा सकती, अब बाकी नसीबों का मेरे घर में दावतें होती है, नहीं बड़ी बड़ी मेरी कोशिश थी छोटी फैमिली में, एक ही भाई है इसका और अच्छा है, सीधा सादा सा बच्चा है ये, वालदा भी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है वालदा। सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं उनकी, जब हमारी लड़ाई होगी ना वो अपनी जबान में लड़ेंगे, मैं अपनी जबान में लड़ूंगी। हमारे व्लॉग में ना अभी मतलब अतूफा और इब्राहिम की लव स्टोरी भी आएगी, ठीक है, और हमारे चैलेंजेस भी आएंगे और मतलब हम लोग कोई सर पे हावी नहीं करेंगे, हम लोग इंजॉय करके सारी चीजें करेंगे। इस भाई का नंबर है, अगर आप लोग को बाय रोड तुर्की जाना है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लग रहा बारिश हो रही है अतुबा, बारिश हो रही है, हस्बैंड जी ना हुकुम चला रहे हैं, आइंदा मेरी बात याद रखनी। कौन सी वाली बात? हस्बैंड जी आप अपनी बेगम साहब से कौन सी वाली बात याद कर? बेगम साहब तो मैं ये कह रहा था कि आप जब बाहर आए पर शोल लेकर आए पर ऐसा था ना, अलग अच्छा अरे वाह अबे यार हम लोग आ गए किसी रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हम लोग जितना भी खाना बना के लाए थे पता नहीं। हेलो गाइस, अरे ये कौन है? अरे बात सुनो, अपना खाना नहीं निकाला, अपने बच्चों के रखा है, बाद में खाएंगे, समझ नहीं आ रही तुम्हें? जब तक सड़ जाए नहीं सड़ेगा, क्या हो गया, नॉनसेंस।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है टेस्टलेस हो जाएगा। नहीं नहीं एसी चल रहा है। अल्लाह ये कैसे कंजूस लोग हैं गाइस। गाइस आप लोगों को ज्यादा पता है ना। सीजन हमारा ये हुआ है, जो हमने पुलाव बनाया था ना, वो हम जो है निकाल के उसको गर्म कर रहे हैं और हम खाएंगे यहाँ पे बहुत मजे का कीमा मटर और बहुत मजे मजे की चीजें। कीमा मटर अंदर है ना, बहुत मजे का। अल्लाह मैंने इतने वाला खाया, बहुत टेस्टी था। ओ शेर शुगर निकाल लिया आपने। ये अचार था, लाइम मैं निकाल लू। माँ ये क्या है? सब्जी। मैं एक सब्जी तो रख दे वापस। ये हमारा घर का खाना। पुलाव कितने मजे का लग रहा है यहाँ। सारा यही लेते हैं प्लीज। आइए राबिया हमारा पुलाव टेस्ट कीजिए। यम। ये क्या हम इसी में खाएंगे? ऐसा नहीं करना है, यू करके ठीक है सब। सारी जिंदगी डाइट है और सर मैंने 55 पे जाना है इब्राहिम। अभी कितने? अभी 66 हो गया। अभी 66 है। कितने पे जाना है? 55 पे जाना है। अभी 10 किलो कम करना है। सही का। तुम्हारा कितना है अभी? 59 है तुम्हारा। हाँ तो अभी हम लोग मार्ट आ चुके हैं। मैंने सोचा जरा थोड़ा सा कुछ ले लूँ खाने पीने का, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं। यहाँ पे कुछ मज़े मज़े का नहीं है, चिप्स नहीं है। मैं और मम्मा अभी हम लोग उतरे हैं वॉशरूम के लिए, और मम्मा और मैं इतने टार्जन बने हुए हैं, मतलब कि हम लोग अब इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। हम लोग इस्लामाबाद शहर पहुँच जाएंगे 4 घंटे में 3 घंटे में पहुँचने वाले। लाहौर हमने क्रॉस कर दिया लेकिन हम दोनों ऐसे टार्जन बने हुए हैं। अभी हम वॉशरूम के लिए उतरे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और खैर अभी मैं सोच रही हूँ व्लॉग को एंड कर दूँ और बाकी का व्लॉग मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि आज का हमारा वो पूरा सफ़र में रहा है, बट अभी हमने डिनर भी करना है तो एंड तो बाद में करूँगी, क्योंकि अपडेट तो देती रहूँगी आप लोगों को। बट आज ना मुझे अपने बाल अच्छे नहीं लग रहे और लैशेज तो वैसे ही जहर लग रही है। आया कि बार बार बात याद आ रही है, ऐसा लग रहा है स्मोक किया इसकी। तो गाइस आप लोगों को बताऊं, अब मेरी एनर्जी लेवल हो गया है 0 और सभी का हो गया है 0। इब्राहिम ये प्राइवेट टॉक व्लॉग तक नहीं आ रही। अगर तूफा नहीं बताएगी तो फिर गलत हो जाएगा। तूफा ने वो छुपा लिया है। अच्छा तो हम लोग आ चुके हैं किसी रेस्टोरेंट में जो कि है F1 में, और ये है पाकिस्तानी स्पेशलिटी इनकी। इब्राहिम ने माशाल्लाह से कुछ खाया ही नहीं था, उसको गोश्त वगैरह पसंद नहीं है, तो अब हम यहाँ पर खाएंगे खाना। अब तुम यहाँ मंडोगे इब्राहिम, क्योंकि तुमने सही तरह कुछ खाया नहीं था। हम लोग बना के लाए थे अपना अपना खाना, जो कि हमने दोपहर में भी चावल शावल खाए थे, अभी कढ़ाई और मिक्स सब्जी। मेरी बात सुनो, मेरे चावल बचे, मैं रो नहीं, मैं दे दूंगी थोड़े से। ये हमारा खाना आ चुका है। वैसे सही था, प्लास्टिक के बाउल में था, फेंक तो जाएगा एटलीस्ट। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये कोई एक गेस्ट हाउस है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और इब्राहिम कैसा लग रहा है इतना लंबा सफर बाय रोड करके? इतना लंबा सफर बाय रोड करके मैं थक गई। आपकी बेगम तो बहुत ज्यादा थक गई है, सर्दी लग रही है। जी, मम्मा ने क्या करना है, चलो सोना है। सो गाइस पहले एक मिनट, सो गाइस मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ, बाकी का व्लॉग आपको कल मिलेगा। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा गाइस, फाइनली हम